भगवान झूलेलाल जयंती समारोह के अंतर्गत चेटी चंड उत्सव के मुख्य जुलूस में प्रदेश के प्रतिष्ठित आरबीजे ग्रुप के द्वारा मंच लगाकर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में ग्रुप के लोग मौजूद रहे। ग्रुप के करतार बिल्फानी ने इस दौरान मंच से लोगों का अभिवादन किया और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का सम्मान दिए जाने पर देश की सरकार का आभार माना। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। इंदौर में चेटीचंड महोत्सव की दिखी रौनक। प्रतिष्ठित आरबीटी ग्रुप ने स्वागत मंच लगाकर दिखाया जलवा। समाज सेवी करतार वल्लभाई ने सिंधी समाजजनों का किया अभिवादन। प्रसाद वितरण में भी आरबीटी समूह ने दिखाया जोश। भगवान झूलेलाल की जयंती के अवसर पर इंदौर शहर में चेटीचंड उत्सव की रौनक देखते ही बन रही थी। जहां एक ओर स्वागत मंच लगाकर समाज जनों में खुशी की लहर देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के प्रतिष्ठित आरबीटी समूह के प्रमुख और वरिष्ठ समाज सेवी करतार वल्लभाई ने अपनी टीम के साथ आतिशबाजी कर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर समूह के द्वारा जुलूस भी निकाला गया, जिसमें भगवान झूलेलाल की झांकियों का सम्मान किया गया। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न देते हुए झांकी सिंधी भाषा को बढ़ावा देने वाली झांकी, राम मंदिर, पानी की बौछार से आशीर्वाद देती नर्मदा मैया और संत कंवर राम की झांकी, इष्टदेव भगवान झूलेलाल जी की झांकी शामिल थी। यात्रा के दौरान 100 से अधिक स्वागत मंच लगाए गए, जिसमें आरबीटी ग्रुप द्वारा कलेक्टोरेट चौराहे पर यात्रा का स्वागत किया गया। कुल मिलाकर सिंधी समाज जनों की एकता शक्ति भी इस दौरान देखने को मिली और रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिष्ठित आरबीटी ग्रुप ने ऐतिहासिक स्वागत की परंपरा का बखूबी निर्वहन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर।